जब हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो कभी कभी हमारे कार्ड का ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है। तो गाइस अगर आप भी अपने नए क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और ओटीपी एंटर करने के बाद भी अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो आपको क्या प्रोसेस करना है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों जब हमारे पास में नया क्रेडिट कार्ड रिसीव होता है तब हम उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी ऑफलाइन स्टोर पर स्पेंड करवाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ट्रांजेक्शन फेल या फिर डिक्लाइन हो जाता है और खास करके नया जो क्रेडिट कार्ड हमें मिलता है उस क्रेडिट कार्ड से अगर हम डायरेक्टली परचेज करते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमारा ट्रांजैक्शन है वो 100% डिक्लाइन ही होता है। हम क्रेडिट कार्ड पर जो ओटीपी हमें रिसीव होता है वो ओटीपी हम एंटर करते हैं उसके बावजूद भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ, अभी के टाइम में जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड रिसीव हो रहे हैं उसमें आपका सिर्फ एटीएम ट्रांजैक्शन ऑन होता है। अगर आप इसके अलावा मर्चेंट, आउटलेट, ऑनलाइन स्पेंड ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए आपको ऑप्शनल अपनी नेट बैंकिंग में या फिर एम बैंकिंग में विजिट करके आपको अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको एनेबल करना होता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको पर्सनली बताता हूँ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का। अगर आपको भी अभी अभी नया क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ है और उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपका किसी कारण से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहा है तो सिंपली आपको अपनी जो यूजेस है, लिमिट है, उसको सेट करना है। लिमिट को आपको कैसे सेट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी HDFC नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप HDFC नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एक्टिव क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे थर्ड नंबर में सेट कार्ड कंट्रोल्स यूजेस लिमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट कार्ड नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, डेली डोमेस्टिक यूजेस लिमिट, डेली इंटरनेशनल यूजेस लिमिट। इसके लिए आपको डेली डोमेस्टिक यूजेस लिमिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको डाउन में स्क्रॉल करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट एटीएम यूजेज यहाँ पे 20,000 रुपीज यहाँ पे लिमिट है और इसको मैंने मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे सेट कर लिया है। अगर आप इस लिमिट को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है जितनी लिमिट आप यहाँ पे एटीएम यूजेज के लिए रखना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे यही रहने दूंगा। जब भी नया क्रेडिट कार्ड आपको रिसीव होगा चाहे HDFC बैंक का हो या फिर ICICI बैंक का हो, कोटक बैंक का हो, कोई भी बैंक हो, उसकी जो लिमिट आती है मर्चेंट, आउटलेट यूजेज, ऑनलाइन यूजेज, कॉन्टेक्टलेस यूजेज, ऐसी जो यूजेज लिमिट आती है ये सिक्योरिटी के कारण, RBI गाइडलाइन के कारण ऑफ आती है। ये आपको नेट बैंकिंग में ऑप्शनल ऑन करनी होती है। तो गाइस अगर आप भी ऑनलाइन यूजेज करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड का तो आपको यहाँ पे लिमिट को ऑन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन यूजेज के लिए ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपके मर्चेंट आउटलेट्स है उसको ऑन कर लेना है। मैक्सिमम लिमिट पर ही हमेशा आपको यहाँ पे सेट रखना है क्योंकि कभी भी आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फिर से आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करके यूजेज की लिमिट को सेट करना होगा। बाकी आप अपने अनुसार लिमिट को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पर्सनली कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम लिमिट को ही सेट रखें। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन यूजेज है उसको भी ऑन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिमिट भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
ऑनलाइन यूजेस में आपका आ जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिमिट को ऑन करना होगा और मैक्सिमम लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे वो 1000 के मल्टीपल में होना चाहिए। और लास्ट हमारा आता है कॉन्टैक्ट लेस यूजेज। तो गाइस अगर आप कॉन्टैक्ट लेस टैप एंड पे को यूज करना चाहते हैं, जो भी आपका POS मशीन होता है उससे कॉन्टैक्ट लेस यानी कि वाईफाई के थ्रू भी आपका पेमेंट हो जाएगा जितना पेमेंट आप करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ऑन कर लीजिए वरना आपको ऑफ ही रहने देना है। तो गाइस ठीक इसी तरह आप यहाँ पे डेली इंटरनेशनल यूजेज लिमिट को भी सेट कर सकते हैं। लिमिट को सेट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे लिमिट है वो मेंशन हो जाएगी, उसके बाद आपको वापस से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे थैंक यू योर न्यू दिल्ली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यूजर्स लिमिट विल बी एक्टिवेट। तो जो भी आपने यहाँ पे लिमिट सेट की है वो एक्टिवेट हो चुकी है, इतना स्पेंड आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपका भी ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो रहा है, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, या फिर आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है और आपका मनी भी डिडक्ट हो चुका है, तो ऐसे में भी आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है उसकी आपको सिंपली HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड सर्विस में कंप्लेन कर लेनी है। कंप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप अंडरस्टैंड योर क्रेडिट कार्ड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल यूजर्स लिमिट सेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।